कोई स्पेसिफिक एपीआई कॉल करना मकसद नहीं है। अगर वो न्यूज़ की एपीआई पेड है ना तो हम कोई दूसरी एपीआई लगा लेंगे आगे। ये इसमें कोई मसला हो गया मुझे लग रहा है, मेरे पास से तो कास्टिंग हो गई है, रोक के एक दफ़ा दोबारा कर देता हूँ। मेरे पास से तो मैंने कर दी है, वो फिर बंद हो गया। चलो यहाँ देख लो सब। अच्छा पिछली कुछ क्लासेस से मैं आपके लिए मैंने एक अलग रिपोजिटरी बनाई हुई थी, क्या नाम था उसका, GitHub। ये भी चला गया, दोबारा कर देता हूँ। ये मेरे ख्याल में पड़ोस वाले रूम में ना वो कर रहे हैं, तो वो गलती से हमारे पास कर दिया इन्होंने। नहीं वो किसी और की स्क्रीन आई थी, मेरी नहीं थी, ये मेरी आई है। क्या था वो माई फर्स्ट रेपो, ये माई फर्स्ट रेपो भी मेरे पास ना बहुत ज़्यादा ही हो गया, अभी कुछ और नया नाम सोचना पड़ेगा। क्या लगा माई फर्स्ट वेबसाइट डिलीट दी है तुम्हारा था ना, तो इसको असल में जो आपकी जो रिपोजिटरी है ना इस क्लास की वो बैच 8 के नाम से है ना, वो भी यहाँ पे आ रही होगी कहीं। तो मैंने आपके लिए एक नई रिपोजिटरी बना दी थी जस्ट टू स्टार्ट विथ, लेकिन अब मैं उसको ना मूव कर रहा हूँ इसके अंदर बैच 8 वाले के अंदर, ठीक है। माई फर्स्ट वेबसाइट डिलीट दिस वाले को मैं क्लोन कर लेता हूँ, ठीक है। टर्मिनल के अंदर क्लोन कर लेता हूँ मैं, और इसमें क्या बोलता हूँ मैं गेट, नहीं ये तो वहाँ जा रहा है ना, ये तो होम पे जा रहा है, सीडी करके पहले मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ, और गेट क्लोन और यूआरएल पेस्ट। अच्छा वो कह रहा है ये पहले से है यहाँ पे, सही है तो पहले से है, हाँ सही है यहीं पे तो क्लोन किया था मैंने माई, तो सीडी करके मैं इसके अंदर चला गया, कोड स्पेस डॉट करके उसको मैंने ओपन कर लिया। तो इसके अंदर जो भी कुछ है ना मैं उसको क्या करने जा रहा हूँ, उसको मैं ये इस वाली रिपोजिटरी में मूव करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये आप इस रिपोजिटरी की ऑर्गेनाइजेशन आप चेक करें, नंबर वन HTML, ये सारा HTML का कोड है जो हम इस क्लास में पहले से पढ़ते रहे हैं। CSS, ये सारा CSS का कोड है, ठीक है। उसके बाद JavaScript में ये सारा कुछ हमने पढ़ा है, ये उसका कोड है, ठीक है। और उसकी वीडियोज़ भी, रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी मौजूद हैं, तो कोई अगर उसको देखना चाहे और साथ में कोड भी देखना चाहे, या कोई कोड देख रहा हो वो समझ में आएगी ये लिखा हुआ क्या है, तो वो साथ में उसके रिकॉर्डेड वीडियोस भी देख सकता है। फिर उसके बाद ये रिएक्ट है, रिएक्ट की ये 7 ऑब्जेक्ट्स हैं। अब मैं इसमें एक 8वां बना देता हूँ जिसका मैं नाम रख देता हूँ 8.revision, ठीक है। और जो आपकी ये वाली वेबसाइट है ना इसको पूरा का पूरा मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ इसमें उठा के, ठीक है। रिविजन के अंदर मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, सेट है, ओके अभी। हाँ बोलो, एग्जीक्यूटेबल होना भी नहीं चाहिए, क्यों एग्जीक्यूटेबल फॉर्म का क्या मतलब है आपको? अच्छा अच्छा, ये मैं असल में जो एग्जीक्यूटेबल फॉर्म जो आप कह रहे हैं ना वो तो डॉट एग्जी को हम कहते हैं एग्जीक्यूटेबल, या कोई ऐसी फाइल जिस पर डबल क्लिक करें तो वो रन होकर सामने आ जाए हम उसको एग्जीक्यूटेबल कहते हैं ना। तो अच्छा तो वो रन नहीं होता, यानी प्रोजेक्ट आपसे जो आप CLI पे जब रन करते हैं तो रन नहीं होता, तो NPM इंस्टॉल आपको करना होता है जिससे वो नॉट मॉड्यूल उसका वापस आ जाता है, उसके बाद आप रन करेंगे तो वो हो जाएगा, तो फिर कोई मसला नहीं है। लास्ट क्लास में मैंने आपकी इस रिपोजिटरी को दोबारा क्लोन किया था ना, और फिर इसी को मैंने रन किया था, हो गया था वो रन। तो उसमें NPM इंस्टॉल चलाना होता है, असल में होता ही है, देखें ये नॉट मॉड्यूल्स जो है ना इसके अंदर लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, ये लाइब्रेरीज हैं, ये फोल्डर होता है हैवी, तो ये तमाम की तमाम लाइब्रेरीज का जो डिटेल है कि इसमें कौन कौन सी लाइब्रेरी इस्तेमाल हुई है वो कहाँ पर आ जाता है, पैकेज डॉट जेसन के अंदर आ जाता है वो। तो पैकेज डॉट जेसन में ना ये देखें ये सारी लाइब्रेरीज का नाम लिखा हुआ है, तो जब नाम लिखा हुआ है तो पूरी लाइब्रेरी हमें भेजने की जरूरत नहीं होती GitHub में, वरना GitHub हैवी होता जाएगा ना। अच्छा फिर कोई भी क्लोन करता है तो वो लिखता है उस प्रोजेक्ट के रूट पे लिखता है npm i या npm install, i है इंस्टॉल के लिए शॉर्ट, तो वो क्या करता है यहाँ से तमाम नामों को देख के ना लाइब्रेरी के उसको दोबारा इंस्टॉल कर देता है तो वापस आ जाता है, तो इस तरह करके चलता है काम। अच्छा तो ये रिविजन मैंने 8 करके रिविजन बना दिया। अच्छा अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक इसमें ना और मैं बना लेता हूँ प्रोजेक्ट, आज के जो प्रोजेक्ट के लिए ना मैं क्या बना लेता हूँ एक और बना लेता हूँ जिसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, क्रिए क्या था npx
अच्छा पहले तो मुझे सीडी करके फोर रिएक्ट में आना पड़ेगा ना। हाँ ये मैं फोर रिएक्ट में आ गया इस वाले में, और इसमें मैं एक बना देता हूँ एन पी एक्स क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप स्पेस और स्टेटफुल कॉम्पोनेंट्स सी ओ एम पी ओ एन ई एन टी एस डबल टी यू कॉम्पोनेंट्स, ठीक है स्टेटफुल कॉम्पोनेंट्स एंटर। अच्छा हमने यार स्टेट थोड़ा सा शायद एक मिनट देख लो मैं क्या पढ़ दिया था हमने लास्ट, नहीं स्टेट हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, स्टेट हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा था। ठीक है जी तो ये बन के तैयार हो रहा है अभी हमारा, सही है ये लोडर चल रहा है हमारा, ये बन रहा है। अच्छा तो इतने में मैं आपको बता देता हूँ कि स्टेट क्या होता है, व्हाट इज एन स्टेट। हम कंपोनेंट पहले देख चुके हैं कि कंपोनेंट किस चीज़ को कहते हैं, कंपोनेंट हम कहते हैं किसी भी बड़ी मशीन का छोटा पार्ट जो होता है लेकिन अपने आप में कंप्लीट, वो भी एक मशीन होता है तो उसको हम कंपोनेंट कहते हैं। अच्छा तो ये स्टेट अब क्या चीज़ है, कंपोनेंट की कोई ना कोई स्टेट होती है। जैसे हमने एसी के कंप्रेशर की बात की थी कि एसी एक बड़ी मशीन है, कंप्रेशर उसके अंदर एक पार्ट है लेकिन अपने आप में वो एक मुकम्मल मशीन है, और उसकी स्टेट क्या हो सकती है एक वक्त में कि वो ऑन है या ऑफ है। ठीक है एसी के अंदर कंप्रेशर वो ऑन ऑफ होता रहता है अकॉर्डिंग टू द सेटिंग, जो भी कन्फिग्रेशन होती है तो वो ऑन ऑफ होता रहता है अपने हिसाब से, तो उसकी एक वक्त में स्टेट क्या होगी, या तो ऑन होगी या तो ऑफ होगी। तो इसी तरीके से ये वो कहते हैं ना स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं, जो क्या स्टेट का क्या मतलब होता है अंग्रेजी में, स्टेट किस चीज़ को कहते हैं, हालत को कहते हैं, कि जो भी करंट बंदे की हालत है, बंदे की या किसी भी चीज़ की जो करंट हालत है उसको हम स्टेट कहते हैं। ठीक है कि पीसी अभी कौन से स्टेट में, तो भाई स्लीप में है या हाइबरनेट है या शट डाउन स्टेट में, ठीक है अलग अलग स्टेट हो सकती है। तो स्टेट ऑफ माइंड क्या क्या होता है बंदे का, हैप्पी हो सकता है, एंग्री हो सकता है, सैड हो सकता है, तो ये स्टेट ऑफ माइंड होता है। अच्छा स्टेट की ख़ास बात क्या है, स्टेट की ख़ास बात यह है कि वो परमानेंट नहीं होता, पहली बात तो ये वो परमानेंट नहीं होता, स्टेट चेंज होता है विद टाइम, टाइम के साथ चेंज होता है। जैसे अगर कंप्रेशर अभी ऑफ है तो बाद में ऑन हो जाएगा, बाद में ऑन हो सकता है, चेंज हो सकती है बाद में स्टेट, ऐसा नहीं है कि वो परमानेंटली अब ऑफ ही रहेगा हमेशा। ठीक है तो स्टेट जो है वो चेंज होता है, अभी आप हैप्पी हैं थोड़ी देर में आप एंग्री भी हो सकते हैं, ठीक है अभी आप सैड हैं थोड़ी देर बाद आप हैप्पी भी हो सकते हैं, ठीक है ज़्यादा देर सैड रह के फिर हैप्पी हो सकता है, तो कोई पता नहीं है, लेकिन विद टाइम स्टेट क्या होता है चेंज होता है। तो हमारा कंपोनेंट भी जो है ना उसके अंदर उसकी उसका एक स्टेट होगा। अच्छा स्टेट ना प्रोग्रामिंग के अंदर, प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव में, एक तो अंग्रेजी की बात हो गई ना ये, प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव में स्टेट हमेशा किसको कहते हैं, वेरिएबल को कहते हैं। जैसे हम अभी सर्वर पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है स्टेट लेस, ठीक है स्टेट लेस का मतलब होता है कि कोई वेरिएबल नहीं होगा, वो सर्वर का कॉन्सेप्ट है। तो स्टेट प्रोग्रामिंग में वेरिएबल को कहते हैं। अच्छा वेरिएबल स्टेट एक ही बात है, वो इसलिए कि वेरिएबल में जो वैल्यू मौजूद है वो चेंज होगी बाद में, ज़रूरी थोड़ी कि एक डाल दिया तो वही रहेगी वैल्यू, वो तो चेंज होगी, यूज़र कुछ भी वैल्यू डाल देगा वो बाद में फिर चेंज हो जाएगी। तो वो स्टेट की तरह ही है कि जो भी वैल्यू है वो परमानेंट नहीं है, वो बाद में चेंज हो जाएगी, ठीक है विद टाइम वो चेंज होगी। तो वो स्टेट की बात हो रही है असल में। तो हमारे कंपोनेंट के अंदर जो है ना, आप ऐसे समझ लें कि हमारा कंपोनेंट ना एक ब्रेन है, समझ जाएँ इंसान के जिस्म का एक कंपोनेंट है ब्रेन, तो आप समझ लें कि एक ब्रेन का कंपोनेंट है, उसका एक स्टेट है अपना, वो हैप्पी है सैड है, ठीक है। एक इंसान के जिस्म का एक और कंपोनेंट है हाथ, ठीक है हाथ जो है वो दर्द कर रहा है, ये उसका स्टेट है, ठीक है हाथ सूजा हुआ है उसका ये स्टेट हो सकता है। तो ये स्टेट समझ में आ रहा क्या है। अच्छा लेकिन ये जो सूजा हुआ है ना ये वेरिएबल है सर, इसके अंदर कोई वेरिएबल है जो चेंज हुआ है। अच्छा तो अब हम ज़रा इसको प्रैक्टिकली भी बना के भी देखते हैं कि स्टेट किसी भी कंपोनेंट के अंदर स्टेट कैसे बनेगा। अच्छा मैं कहता हूँ 9.v इसके साथ ही है ना, API और ये स्टेट एक ही बात है, अब ये सारा कनेक्टेड है आपस में, जाहिर है वेरिएबल बनेगा तो API से जो डेटा आएगा ना वो वेरिएबल में तो रहेगा, वो API से जो डेटा आएगा वो कहाँ रहेगा, वो वेरिएबल में रहेगा, तो वो इसलिए वेरिएबल पहले पढ़ेंगे उसके बाद API कॉल पढ़ेंगे।
अच्छा, अब ये मैंने एक नया रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाया है। अब जब रिएक्ट का प्रोजेक्ट हम पहले बनाते थे तो हम उसमें क्या करते थे, index.js की फाइल में आके सब कुछ डिलीट करते थे और फिर हम काम करना शुरू करते थे। लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, बॉयलर प्लेट बनाया है, वो कुछ सोच समझ के बनाया है और हमें अल्टीमेटली हमें खुद भी ऐसा ही करते हैं। अगर हम ये ना भी होता ना तो हम खुद भी इसी तरह करते हैं। क्या करते हैं हम, देखो index.js के ऊपर ये जो चीज़ है ये क्या है, एक कंपोनेंट है जो यहाँ पे रेंडर हुआ हुआ है, एक कंपोनेंट है ये जो यहाँ पे रेंडर हुआ हुआ है। ये कंपोनेंट आया कहाँ से, ये ES6 की जो नई वाली जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर ये ऑप्शन है कि एक फाइल को, यानी जैसे जावास्क्रिप्ट की दो अलग अलग फाइल है ना, तो एक फाइल को दूसरी फाइल में इम्पोर्ट कर सकते हैं। ये नई वाली जावास्क्रिप्ट के अंदर ये पॉसिबल है। तो हम क्योंकि सबसे नई वाली जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं हम रिएक्ट के अंदर, तो ये असल में इम्पोर्ट किया हुआ है। ये कंपोनेंट यहाँ तो बना हुआ नहीं है इस फाइल में, ये बना हुआ है दूसरी फाइल में, ऐप की फाइल में। ये देखो ऐप की फाइल में बना हुआ है और इस नाम से बना हुआ है। तो हम कंट्रोल पकड़ के और इस ऐप पे जब क्लिक करेंगे ना तो हम इस फाइल के अंदर चले जाएंगे। देखो फाइल मेरी कौन सी आ गई है, app.js, सही है। अब देखो app.js के अंदर अगर मैं शुरू से लेकर आखिर तक इसको देखूँ क्या लिखा हुआ है, इम्पोर्ट CSS किया हुआ है, इम्पोर्ट एक इमेज को इम्पोर्ट किया हुआ है, उसके बाद फंक्शन है कैपिटल A से ऐप लिखा हुआ है और रिटर्न कर रहा है JSX। तो इसका मतलब ये क्या है, कंपोनेंट है, ठीक है। अगर किसी भी फंक्शन का नाम कैपिटल से शुरू होता है, कैपिटल लेटर से, और वो रिटर्न कर रहा है JSX, तो इसका मतलब है वो कंपोनेंट है। अच्छा, तो ये कंपोनेंट जो भी ये रिटर्न कर रहा है ना, मैं इसके अंदर लिख देता हूँ बस हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ये सब क्लास वगैरह हटा दिया इसके ऊपर से मैंने, ठीक है। अब ये हेलो वर्ल्ड मैंने लिख दिया, तो क्योंकि ये कंपोनेंट स्क्रीन पे रेंडर हो रहा है तो ये हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे आ जाना चाहिए। देखते हैं आता है कि नहीं आता है। मैंने कहा कि CD क्या था हमारा, 9 npm स्टार्ट, सही है, npm स्टार्ट करके मैंने इसको रन कर दिया, ठीक है। ये हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे आ गया। तो अब नोट कर रहे हो ये क्या हुआ है, अब मेरे पास एक क्लीन फाइल मौजूद है दैट इज कॉल्ड app.js। index.js पे ना और भी बहुत सारा कचरा है और अभी index.js पे और भी बहुत कुछ होने वाला है जो अभी हमने अभी देखा नहीं है। अभी तो ये index.js छोटा सा है, इसमें और भी कुछ चीज़ें होंगी अभी एक्स्ट्रा। तो index.js को अब हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास एक क्लीन फाइल मौजूद है दैट इज कॉल्ड app.js, ठीक है। ये app.js हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये app.js जो है ना इस कंपोनेंट के अंदर अब हमें वेरिएबल बनाना है। हमें क्या करना है, वेरिएबल बनाना है। अच्छा, इसमें ये नॉर्मल वाले वेरिएबल भी हम बना सकते हैं, लेट ए इक्वल टू 5। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि अगर ये वेरिएबल चेंज होगा ना, और मैंने इसको यहाँ पे स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाया हुआ है ए वो, ठीक है, और इस वेरिएबल में अगर चेंज होता है तो स्क्रीन पर ये चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये स्टेट वेरिएबल नहीं है। रिएक्ट के अंदर एक नए किस्म का, एक स्पेशलाइज्ड किस्म का वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया गया है जो कि कहलाता है स्टेट वेरिएबल, ठीक है। स्टेट वेरिएबल वेरिएबल से कुछ ज़्यादा है, मतलब जो नॉर्मल वेरिएबल होते हैं उसकी तो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ हैं। वो ये है कि जब भी उस वेरिएबल में कोई चेंज आता है, कंपोनेंट को दोबारा से स्क्रीन पर रेंडर किया जाता है, सही है। और इसी वजह से होता क्या है कि जब भी उसमें कोई चेंज आता है ना, तो वो रियल टाइम में आपको ऐसा लगता है स्क्रीन पर चेंज हो रहा है असल में, लेकिन वो पूरा कंपोनेंट री रेंडर किया जाता है। इस नॉर्मल वेरिएबल में वो काम नहीं होता। चाहे तो आप ये बना सकते हैं, लेकिन रेकमेंडेड ये है कि वो डेटा जो आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है, वेरिएबल में मौजूद वो डेटा जो आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है, वो तो ज़रूरी आप स्टेट वेरिएबल में रखें। तो ये तो नॉर्मल वेरिएबल बनाना तो आपको आता है, स्टेट वेरिएबल कैसे बनेगा। सबसे पहले स्टेट वेरिएबल के लिए ये इम्पोर्ट होगा, सही है, इम्पोर्ट, और रिएक्ट में से इम्पोर्ट करना है मुझे क्या, यूज़ स्टेट, सही है। ये ऊपर इम्पोर्ट कर लिया, ये बॉयलर प्लेट है, ये आपको आदत हो जाएगी लिखने की ना, इम्पोर्ट वगैरह। और ये कोड मैं पुश भी कर देता हूँ तो वो आपके पास कोड मौजूद है। तो इसको मेमोराइज़ करने की या ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, कोड हमेशा ना लिख के मेमोराइज़ होता है। जब हाथ से लिखोगे ना तो उंगलियों पे सेट हो जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, मसल मेमोरी कहते हैं, ठीक है। ये कोड वो वाली चीज़ नहीं है कि आप देख के उसको रट के याद रख सकते हो, रट के याद नहीं रख सकते आप। और कोई कर रहा है, अगर हो भी जाता है अगर आपसे रट के याद, तो वो गलत कर रहे हैं आप, ठीक है। ये कोड ऐसी चीज़ है, आप लिखेंगे ना आपकी उंगलियों पे ये याद हो जाता है, आपकी उंगलियों को ये याद हो जाता है कोड,
मसल मेमोरी कहते हैं उसको, ठीक है। अच्छा अब इसको क्या करना है, हमें बोलना है कि कॉन्स्ट, अच्छा कॉन्स्ट और लेट का आपको डिफरेंस पता है भाई दवे? बताओ क्या होगा? हाँ कॉन्स्ट जो है वो चेंज नहीं होता, लेकिन अगर मैंने कॉन्स्ट में वेरिएबल, एक कॉन्स्ट करके मैंने एरे बनाया है, तो मैं इस एरे में नया आइटम पुश कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? कर सकता हूँ मैं, सही है। तो इसी तरह ऑब्जेक्ट और एरे जो होता है, अगर वो मैं कॉन्स्ट करके बनाता हूँ तो उसकी टाइप चेंज नहीं होती, उसमें नया आइटम डाल सकता हूँ, आइटम रिमूव भी कर सकता हूँ। अगर नंबर या स्ट्रिंग है फिर तो वो बिल्कुल ही चेंज नहीं हो सकता। तो ये कॉन्स्ट हमने यहाँ पे देख लिया। तो हमारे पास ये जो असल में है, यूज स्टेट, और मैंने कहा कि भाई 5 कर दो इसको, सही है, यूज स्टेट करके मैंने कहा। और यहाँ पे मैंने कहा कि नम सेट नम, सही है। अच्छा ये मैं क्या काम कर रहा हूँ, ये सब लोगों को समझ आ रहा है? ये डीकंस्ट्रक्शन हो रही है। ये ES6 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, असल में होता ही है कि मैं आपको अलग से ये करके दिखा देता हूँ। मैंने कहा लेट ARR इक्वल्स टू, दो वैल्यू है इसके अंदर, एक ABC है और एक कॉमा DEF है, ठीक है, ये दो वैल्यू है। अब मुझे इन दोनों वैल्यू को अगर दो अलग अलग वेरिएबल में लेना है तो मैं कैसे करता हूँ भाई? मैं ऐसे कर सकता हूँ, लेट मैंने कहा कि वेल वन कॉमा वेल टू, सही है, इक्वल्स टू ARR, ठीक है। तो ये जब ये देखो एक सिंगल एरे है जिसके अंदर दो आइटम्स मौजूद हैं, तो अगर मैं लेट करके ऐसे दो वेरिएबल बनाता हूँ ना, ऐसे दो वेरिएबल बनाता हूँ और इक्वल्स टू कहता हूँ ARR, तो ARR की जो शुरू की दो वैल्यू ना वो उठ के इन दोनों के अंदर आ जाएगी, आगे वाली को इग्नोर कर देगा क्योंकि दो ही है ना उसमें, तो आगे अगर कोई वैल्यू होगी तो उसको इग्नोर कर देगा, तो दो वैल्यू उठ के आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कि यूज स्टेट क्या करता है, एक एरे रिटर्न करता है जिसके दो इंडेक्सेस हैं, ठीक है। लेकिन इसको हमेशा इसी तरह लिखा जाता है, तो मतलब बहुत ज़्यादा इसको वो करने की भी ज़रूरत नहीं, दो ही करता है ये, एक होता है वेरिएबल रीडिंग के लिए, एक होता है चेंज करने के लिए, ठीक है। अच्छा तो ये हमारा जो स्टेट वेरिएबल है ये ऐसे करके बनता है, क्या लिखा है मैंने, वेरिएबल का नाम लिखा है नम, इसकी इनिशियल वैल्यू दी है मैंने 5, यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम रखा था ए, इसको इनिशियल वैल्यू दी थी 5, ठीक है, ये इनिशियल वैल्यू है इसकी। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, इसमें दोनों वेरिएबल को मैं स्क्रीन पे प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। पहले वाले को मैं लिखता हूँ कि यार नॉर्मल वेरिएबल और ए, सही है, और स्टेट वेरिएबल नम, ये दो ही वेरिएबल है मेरे पास, एक नॉर्मल वेरिएबल है एक स्टेट वेरिएबल है, राइट। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ यार, इसमें वो सजेशन नहीं आ रही ना, इसको JSX बना देता हूँ, ऐप डॉट के बाद JSX बना देता हूँ, इसमें सजेशन नहीं दे रहा मुझे, अब दे दिया सजेशन, सही है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे एक तो बटन बना दिया, बटन में मैंने क्या बोला, चेंज चेंज वेरिएबल्स, ये बटन की क्लिक करने पे मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों वेरिएबल को चेंज करवाऊँगा, ठीक है। कंपोनेंट के जाहिर है चेंज करवाने के लिए मुझे कोई ना कोई बटन क्लिक कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने बटन बना दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बटन से क्लिक हो, ये और भी रीजन हो सकते हैं इसके चेंज होने के, ठीक है। मिसाल के तौर पर कंटिन्यूसली आप इंटरनेट से डेटा फैच कर रहे हैं तो वो हर API कॉल पर जाहिर है थोड़ा सा मुख्तलिफ डेटा आएगा, अगर आप ट्रेड का डेटा ले रहे हैं, स्टॉक मार्केट का डेटा, तो हर सेकंड वो चेंज होगा, तो वो भी रीज़न हो सकता है इसके चेंज होने का। तो मैंने कहा कि भाई ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे इसके क्या करो, एक अदद फंक्शन चलाओ, सही है, और एक अदद फंक्शन चलाने के बाद क्या करो आप, उस फंक्शन के अंदर आप बोलो कि पहला कौन सा था हमारा, ए था, ए इक्वल्स टू क्या कर दो, ए प्लस वन कर दो, कि जो भी ए में था ना उसमें प्लस वन करवा दो, सही है। अब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ और मैं चेंज वेरिएबल का बटन दबाता हूँ, तो ये स्क्रीन पे ना कुछ भी नहीं हो रहा, इसको मैं थोड़ा जूम इन भी कर देता हूँ और यहाँ से कॉन्सोल भी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ भी स्क्रीन पे नहीं हो रहा, हालांकि वो वेरिएबल अपडेट हो रहा है, ठीक है। कैसे पता चलेगा मुझे, अगर मैं यहाँ पे इसको कॉन्सोल करवा दूँ ना, सॉरी यहाँ पे नहीं, इसी के अंदर ही करवाना पड़ेगा मुझे,
ठीक है, प्लस करवाने के बाद मैं कंसोल करवा देता हूँ। ठीक है, ए को मैंने कंसोल करवा दिया कि भाई ए अपडेट हो रहा है वाकई, तो उसको कंसोल करके देख लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश किया मैंने, अब देखो ये ए में इंक्रीमेंट हो रहा है लेकिन स्क्रीन पे नहीं दिख रहा। वो इसलिए नहीं दिख रहा है कि वो नॉर्मल वेरिएबल है, उसके चेंज होने की वजह से रिएक्ट क्या करेगा, कंपोनेंट को रीरेंडर नहीं करेगा। सही है। अच्छा, एक मैं रीरेंडर का भी लगा देता हूँ। देखो ये जो कंपोनेंट है ना, ये ऐप यहाँ से शुरू है, सही है, और ये पूरा कहाँ तक जा रहा है, ये पूरा रिटर्न के पूरे नीचे तक जा रहा है। तो रीरेंडर का मतलब ये कि ये फंक्शन दोबारा कॉल होगा, असल में यही मतलब है ना रीरेंडर का। तो रीरेंडर का मतलब ये कंसोल डॉट लॉग, इस जगह पे मैं अगर कोई लॉग लगाता हूँ तो वो कब प्ले होना चाहिए, कब डिस्प्ले होना चाहिए स्क्रीन पे, जब जब ये कंपोनेंट रेंडर होगा ना नए सिरे से, जब जब ये होना चाहिए। तो मैंने कहा कि रेंडर, तो जब जब ये रेंडर होगा ना नए सिरे से ये लिखा पाएगा रेंडर। ठीक है, इसको मैंने रिफ्रेश किया तो देखो रेंडर एक बार लिखा हुआ गया। सही है, एक बार तो नहीं एक्चुअली, वो दो बार लिखा हुआ है क्योंकि हम डेवलपमेंट मोड में चल रहे हैं, इसके लिए दो बार लिखा हुआ है, वरना वो प्रोडक्शन में एक ही बार ही आएगा। जब मैं एक बार ये बटन दबाता हूँ तो वो देखो दोबारा रेंडर उसको नहीं करना है। सही है। अच्छा, हालांकि वो वेरिएबल अपनी जगह मौजूद है, वो अपडेट भी हो रहा है, सब कुछ ओके है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटा के ना इसकी जगह पे, इसकी जगह पे मैं क्या करता हूँ, अपने स्टेट वेरिएबल को चेंज करवाता हूँ। स्टेट वेरिएबल को मैं, नम नाम था ना मेरे स्टेट वेरिएबल का, मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता कि कोई ऐसे करके वैल्यू दे दो, नो दिस इज़ नॉट द वे। स्टेट वेरिएबल में रीड करने के लिए ये पहला वाला है, लेकिन उस वेरिएबल को चेंज करने के लिए दूसरा वाला है। दूसरा वाला जो है वो फंक्शन है, दूसरा वाला जो है क्या है, वो फंक्शन है। पहला वाला तो वैल्यू है, डायरेक्ट प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट हो जाती है। इसको प्लस करवाऊंगा, प्लस भी होगा। ये पहली वाली जो, ये पहली वाली जो वैल्यू है ना नम, इसको अगर मैं प्लस करवाऊंगा तो ये प्लस भी होगा, लेकिन स्क्रीन पर चेंज नहीं आएगा उसकी वजह से। जब इसको प्रॉपर वे है ना जो इसको चेंज करने का, जब उस तरीके से करूंगा फिर ही चेंज आएगा स्क्रीन पर। तो प्रॉपर वे क्या है कि ये सेट नम को मैं कॉल करूँ, मैं बोलूँगा सेट नम, और सेट नम के अंदर एक नई वैल्यू पास करूँगा, और वो नई वैल्यू कहाँ चली जाएगी, इस स्टेट वेरिएबल में जाके सेव हो जाएगी। अच्छा, मैंने क्या करना है, जो पहले से वैल्यू है उसमें प्लस वन करवाना है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, पहले से वैल्यू जो है वो उसका नाम नम है ना, पहले से जो वैल्यू है मैंने कहा प्लस वन, मैंने कहा जो भी नम में मौजूद था प्लस वन करके उसको सेट करवा दो उसी में दोबारा। आसान है, मुश्किल तो नहीं है, समझ आ रहा है। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पे, मैंने रिफ्रेश किया पेज को तो देखो रेंडर एक बार चला, अब मैं बटन दबाता हूँ रेंडर दोबारा चला और स्क्रीन पे भी वो रिफ्लेक्ट हो गया। ये देखो स्क्रीन पे भी रिफ्लेक्ट हो गया। ये नॉर्मल वेरिएबल में और स्टेट वेरिएबल में ये फ़र्क था। किस किस चीज़ों में फ़र्क है, नंबर एक बनाने के तरीके में फ़र्क है, प्रिंट करवाना सेम है, चेंज करने के तरीके में फ़र्क है, उस वेरिएबल को चेंज एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह नहीं किया जा सकता। ठीक है, नंबर तीन, इसकी क्लास में क्लास का फ़र्क है। एक नॉर्मल वेरिएबल की वजह से कंपोनेंट रीरेंडर नहीं होता, इसकी वजह से रीरेंडर होता है। ठीक है, तो कुछ एडिशनल हो रहा है इसके अंदर, एक नॉर्मल वेरिएबल में जो होता है वो तो हो रहा है, कुछ एडिशनल चीज़ें भी हो रही हैं, वो हमने सारी डिस्कस कर ली हैं, वो क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो अब वेरिएबल तो हमने बनाना सीख लिया। अच्छा, इस वेरिएबल में कुछ भी हो सकता है, अभी मैंने इसमें नंबर रखवाया है, आप एरे, ऑब्जेक्ट, किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ रखवा सकते हैं अब इसके अंदर, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, आसान है, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, अब एक छोटा सा काम करता हूँ, इसको मैं एरे बना लेता हूँ। सही है, अब मुझे क्या करना है, नंबर जो मैं चेंज करवाता हूँ उसमें मुझे क्या करना है, मुझे एक नया नंबर पुश करना है। मैं सेट नंबर में ना, मुझे अब ये नहीं करना कि नम प्लस वन, अब जो नम है वो कंसोल डॉट लॉग, मैंने इसको कहा नम जो है अब वो क्या है, एक एरे है। सही है, एरे है नम, नम क्या चीज़ है, एक एरे है। अब इस एरे में मुझे एक नया आइटम पुश करवाना है, कैसे होगा कौन बता सकता है।
अच्छा नम को भी मैं चेंज कर सकता हूँ लेकिन वो स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट नहीं होता। मिसाल के तौर पर नम डॉट पुश करूँगा ना, मैं नम डॉट पुश में एक एक मैथ डॉट रैंडम कर दिया मैंने, ये लो मैथ डॉट रैंडम और मल्टीप्लाई भाई इसको 10 कर दिया, तो ये 0 से लेकर 10 तक का कोई नंबर जनरेट करेगा, सही है। तो ये मैंने एक मतलब कि रैंडम नंबर का वेरिएबल अलग बना लेते हैं, मैंने कहा कि कॉन्स्ट रैंडम नंबर, सही है ये मेरा रैंडम नंबर है जो मैंने जनरेट कर लिया। अब इसको अगर मैं नम के अंदर पुश कर देता हूँ तो नम में ये पुश हो जाएगा, और फिर मैं इस नम को अगर यहाँ पे सेट करवा दूँ, ठीक है, साथ साथ मैं नम को कंसोल भी करवा लेता हूँ यहाँ पे। नम को एक ऊपर मैंने कंसोल किया था, एक पुश करने के बाद करता हूँ, सही है, ऊपर कंसोल किया था और एक पुश करने के बाद करता हूँ, सही है, और फिर सेट करवा देता हूँ उसको। हम देखेंगे हाँ यार पहले पुश नहीं हुआ था, फिर पुश हो गया, फिर रिफ्रेश कर लिया मैंने इसको, ठीक है, चेंज वेरिएबल का बटन दबाया, देखो पहले नहीं था इसमें, अब एक डेटा आ गया, और दबाया ये देखो पुश हो रहा है उसके अंदर, लेकिन स्क्रीन पे ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। तो ज़रा देख लेते हैं कि क्यों नहीं हो रहा, क्या पता है एरर इस तरह नज़र ही ना आता हो। तो एक काम करते हैं, दो चार वैल्यू पहले से भी दे देते हैं इसको, है ना, जस्ट इन केस कि भाई एरर क्या पता नज़र ही ना आता हो ऐसे। ये तो नज़र आ गया, जो इनिशियल वैल्यू मैंने दी थी वो आ गया नज़र, ये नज़र आ गया, लेकिन जो मैं अब सेट करवा रहा हूँ ना वो नहीं हो रहा। हालांकि मैंने एक रैंडम नंबर जनरेट किया वो भी सही हो रहा है, नम के अंदर पुश करवाया रैंडम नंबर वो पुश भी हो गया, नम में पहुंच गया वो, उसके बाद मैंने उसको कंसोल करा के मेक श्योर किया कि हाँ यार नम के अंदर एक नया नंबर पुश हो गया, और फिर जब मैं उसको सेट करवाता हूँ वो सेट ही नहीं होता। अब क्या करें, ये देखो ये हो ही नहीं रहा सेट, रिफ्रेश किया मैंने इसको, ये क्लिक किया, देखो ये देखो है उसमें मौजूद है वो नंबर 234 जो था इनिशियल वो तो है, ये ना 234, उसके आगे 65 45 ऐसे ये नंबर जनरेट करके इसमें पुश करता जा रहा है, मेरे स्क्रीन पे क्यों नहीं आ रहा वो। हाँ भाई पुराने स्टूडेंट्स भी इसका जवाब दें, हाँ भाई क्या लगता है, हाँ नम वेरिएबल जो है, नहीं ये नॉर्मल वेरिएबल तो था, लेकिन नॉर्मल वेरिएबल को चेंज करके मैंने इसको दे दिया ना सेट, मैंने कहा सेट कर दो आप जाके, सेट नम में जाके सेट कर दो आप। अच्छा नहीं अच्छा चलो, अगर तुम ये कह रहे हो कि ये नॉर्मल वेरिएबल है इस वजह से ऐसा हो रहा है, तो इसको अब कैसे करूँ मैं, करूँ क्या इसका, सेट नंबर के अंदर लगा दूँ यहाँ पे, ऐसे करके लगा दूँ है, अच्छा ऐसे करके देख लेता हूँ, ये तो पुराना वाला रिमूव ही हो गया। असल में ये नम डॉट पुश जो होता है ना, वो जो चीज़ पुश हुई है ना शायद वही रिटर्न करता है, ये जो चीज़ पुश हुई होती है ना वो रिटर्न करता है। ये क्लिक किया मैंने तो ये इसने 4 जो रिटर्न किया ना, असल में वो 4 एक नई वैल्यू जो पुश हुई ना शायद वो 4 थी, तो इसलिए इसने 4 यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अभी ये देख लेते हैं ना कि वो पुश क्या रिटर्न करता है, JS पुश MDN, अब पॉप भी यही करता है, जो चीज़ रिमूव हुई है ना वो रिटर्न करता है। अच्छा रिटर्न न्यू लेंथ, जो पुश है ना वो क्या करता है, पुश होने के बाद जाहिर है यहाँ पे ये चीज़ कुछ ना कुछ रिटर्न करेगी, पुश क्या करता है न्यू लेंथ जो हो गई है ना वो रिटर्न करता है, सही है 4 हो गई है न्यू लेंथ, तो वो 4 रिटर्न किया तो 4 चला गया उसमें यहाँ पे, क्योंकि नम डॉट पुश ने यहाँ पे 4 रिटर्न किया तो 4 जाके सेट हो गया। अब वो उसकी डेटा टाइप भी चेंज हो गई, एरे से वो नंबर बन गया। असल में बात ये है कि ये पहले भी सही लिखा हुआ था, ये ऐसे ऐसे इसको ये पुश भी हो रहा है, इसमें जा भी रहा है, अपडेट भी हो रहा है, नहीं वो ये तो पुश हो रहा है ना, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका रेफरेंस सेम है अभी भी। ये सेट जब हम करते हैं स्टेट
तो उसको नया रेफरेंस चाहिए होता है, नया रेफरेंस मिलेगा जब भी वो उसको अपडेट करेगा, रीरेंडर करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप किसी को ये रेफरेंस वाली बात समझ में नहीं आई है, तो वो कितने ऐसे लोग हैं जो उस वाली क्लास में थे, मेमोरी एलोकेशन वाली में, जब मैंने ये बताया था कि वेरिएबल मेमोरी में सेव कैसे होता है, ऑब्जेक्ट और एरे, आप लोग थे, आप तुम भी तो थे आरुण, नहीं थे तुम, याद नहीं आ रहा तुम्हें। अच्छा, तो भाई अब जिन लोगों को ना ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सेम रेफरेंस का क्या चक्कर है, उनको वो वाला लेक्चर देखना पड़ेगा दोबारा से जाके, कि वो ऑब्जेक्ट, मैंने बताया था ना कि ऑब्जेक्ट एक जगह नहीं होता, वो डिफरेंट जगहों पे होता है, तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़ा हुआ है, अब वो क्या होता है रेफरेंस का चक्कर, वो अब देख लें। अच्छा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये इसको ना क्लोन करना पड़ेगा एरे को, एरो की हमें क्या करनी पड़ेगी, क्लोनिंग करनी पड़ेगी, तब उसका रेफरेंस चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये सिर्फ पुश करने से ना, डेटा तो पुश हो गया, इसको मिल भी गया, लेकिन चूंकि रेफरेंस सेम है ना, तो वो उसको नया डेटा मिलने के बावजूद उसने अपडेट नहीं किया स्क्रीन पर। अच्छा, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा सेट नम को, मैं यहाँ पर बनाऊँगा कि भाई कॉन्स्ट न्यू ARR इक्वल्स टू, ऐसे बोलूँगा मैं, और स्प्रेड ऑपरेटर, जो पहले से नम मौजूद था वो स्प्रेड किया मैंने इधर, क्या किया, कॉमा, और जो रैंडम नंबर अभी था वो लगा दिया यहाँ। ये मैंने क्या किया, एरे को क्लोन कर लिया मैंने, ठीक है, भले नम में ही करवा दूँ, मैं नम इक्वल्स टू भी करवा सकता हूँ, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, नम एक नॉर्मल वेरिएबल है ना, तो सही है, नॉर्मल वेरिएबल है, मैंने कहा नम इक्वल्स टू, और ये इसको इसको मैंने क्लोन करवा लिया, ठीक है। एरे क्लोनिंग अगर किसी को नहीं पता, तो ये जावास्क्रिप्ट का टॉपिक है, जावास्क्रिप्ट में जब एरे पढ़ा था हमने, तो उसके साथ साथ एरे और ऑब्जेक्ट जब हमने पढ़ा था, साथ में ही टॉपिक पढ़े थे, तो उन दोनों की क्लोनिंग भी पढ़ी थी हमने, और क्लोनिंग हम क्यों करते हैं वो अभी आपको समझ में आ गया, कि जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारी जगहों पे जब वो चेक कर रहा होता है ना कि क्या ये वेरिएबल अपडेट हुआ है, जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे फ्रेमवर्क या हम खुद जब ये चेक करना चाहते हैं ना कि ये वेरिएबल, क्या ये वेरिएबल अपडेट हुआ है, तो वो रेफरेंस किस जरिए हम करते हैं, कि अगर इसका रेफरेंस सेम है तो उसका मतलब ये अपडेट नहीं हुआ, रेफरेंस चेंज हो गया तो अपडेट हो गया ये। अब वो रेफरेंस चेक कैसे करते हैं, वो एक पूरा अलग टॉपिक है, वो हमें अभी देखने की जरूरत नहीं है, वो रिएक्ट हमारे लिए खुद कर रहा है, रिएक्ट वो चेक कर रहा है कि रेफरेंस सेम है या चेंज हुआ, वो हमें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो रिएक्ट को हमें क्या देना है, क्लोन करके एक नया रेफरेंस देना है, नया रेफरेंस देंगे रिएक्ट समझ जाएगा कि अच्छा ये तो अपडेट हो गया, तो उसको री रेंडर कर देगा। जी नहीं, असल में तो मुझे नया वेरिएबल बनाने की भी जरूरत नहीं है ना, मुझे तो नया वेरिएबल बनाने की भी जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे ही लिख सकता हूँ ये, सही है। वो तो मैंने वेरिएबल बना के इसलिए बताया था कि आपको, ताकि वो फील आए कि अच्छा यार नम का इशू नहीं है, मैंने रेफरेंस तोड़ के नम के अंदर वापस डाल दिया, नम रीड ऑनली है भाई, ये नम जो है ना रीड ऑनली है, रीड कर सकते हैं इसको, हम स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, इसको चेंज करते हैं ना तो उसको ये लेता नहीं है, नॉर्मल वेरिएबल के तौर पर वो चेंज हो रहा होता है, लेकिन उसके चेंज को कोई खातिर में नहीं लाता। तो ये मैंने क्या कर दिया, नम के अंदर एक क्लोन करके एक नया रेफरेंस डाल दिया, और अब मैं जब नम को यहाँ रखवाऊँगा ना तो ये चेंज हो जाएगा, सही है, देखते हैं करके। रिफ्रेश किया मैंने, और चेंज वेरिएबल, ये क्या होगा, अच्छा वो कॉन्स्ट कर दिया था मैंने गलती से, नम को मैंने, अच्छा हाँ नम कॉन्स्ट है ना, सही है, जब भी तो चेंज नहीं हो रहा नम, तो छोड़ो इसको, कोई दूसरा वेरिएबल बना लेते हैं इसका, चलो थोड़ी देर के लिए इसको हम वो कर लेते हैं ना, लेट कर लेते हैं, होगा बाय द वे कॉन्स्ट ही है, ठीक है। ये देखो ऐड होता जा रहा है, सही है, ये होगा कॉन्स्ट ही, ये जो मैं करके दिखा रहा हूँ ना, ये ऐसे कभी भी नहीं करेंगे आप, और असल में ये एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाने की यहाँ पे ज़रूरत मुझे नहीं है, यहाँ पे एक्स्ट्रा वेरिएबल की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, ये मैं क्या करूँगा डायरेक्ट यहाँ पे करूँगा ऐसे, मैंने कहा नम में क्या दे दो, सेट नम में एक नया एरे दो, ये देख रहे हो स्क्वायर ब्रैकेट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, एक नया एरे बनाओ, उसके शुरू में क्या रख दो, जो नम की रीड ऑनली वैल्यू थी ना उसको खोल के रख दो, स्प्रेड कर दो उसको, और कॉमा डाल के मेरा वाला जो नंबर है ना जो ऐड करना है वो लास्ट में रख दो, मैंने ये बोला है इसमें एक्चुअली, सही है, दिमाग पर ज़्यादा लोड पड़ गया, हीटअप हो गया। अच्छा,
असल में ये टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं कवर कर रहा एरे की क्लोनिंग को। अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा से डिटेल में कवर कर दूँगा। ये तो मैं दिखा देता हूँ उसका कोड कहाँ पर है। जावास्क्रिप्ट में गया और जावास्क्रिप्ट में जाने के बाद यहाँ पे थर्टीन में ES6 हाँ एरे मैपिंग एंड क्लोनिंग, ये देखो ना नाम ही इसका वही रखा हुआ मैंने, एरे मैपिंग एंड क्लोनिंग। तो ये देख रहे हो ये एरे बनाया मैंने और इस पर मैप चलाया है। मैप आपको पता है वो लूप को कहते हैं ये, ठीक है। ये भी मैप है और क्लोनिंग का है इसमें, अच्छा यही तो क्लोनिंग है लेट कॉपी करके जो हमने बनाया था। वेल अभी ये इस तरह सही से समझ में नहीं आ रहा, जब आप इसकी वीडियो देखेंगे ना और साथ में इस कोड को देखेंगे तो फिर आपको सही समझ आएगा, क्योंकि कुछ कोड लिख के मैं उसको यानी ये कोड जस्ट लिखा हुआ नहीं है, ये इवॉल्विंग कोड है। जैसे यहाँ पे जो मैं कोड लिख रहा हूँ ना, अगर ये एक दफ़ा में सारा लिखा हुआ नज़र आए तो शायद उस तरह से सेंस नहीं बनता, तो ये इवॉल्विंग कोड है। तो यहाँ भी जो मैंने ये लिखा हुआ है एरे की क्लोनिंग में जो कोड लिखा हुआ है ये असल में इवॉल्विंग कोड है। ये एक दफ़ा देख के तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा ये मैंने क्या लिखा सही है। और तो वेल हमने ये देखा कि अगर एक नॉर्मल नंबर होता है तो नंबर का तो रेफरेंस सेम हो ही नहीं सकता, वो जब भी अपडेट होता है रेफरेंस का ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, ठीक है। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल वाला, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव जी टाइप क्या करते हैं, नहीं मुझे एरे रखना है ना उसको ऑब्जेक्ट क्यों बनाऊंगा। मैं तुम्हारा सवाल नहीं समझा, टाइप कन्वर्जन करते थे जो डेटा टाइप हम चेंज नहीं, मुझे चेंज नहीं करनी ना एरे है, मुझे नीचे लूप चला के उसको डिस्प्ले करवाना है। मैं उसको ऑब्जेक्ट कैसे कर सकता हूँ, ये अगर ऑब्जेक्ट है तो मैं इसको एरे में कैसे कर सकता हूँ, ये तो हो ही नहीं सकता। ये कैसे करते थे आप, कौन सी लाइब्रेरी से, क्या कोई नहीं एरे तो ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता ना, कैसे बनेगा। नहीं मेरे हिसाब से तो नहीं बन सकता, कैसे बनेगा अगर नहीं असल में एरे का पर्पस, जैसे हम जब फॉर लूप यहाँ पे पढ़ रहे थे जावास्क्रिप्ट में तो उस वक्त मैंने जिक्र किया था, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको कि एरे बना है लूप के लिए और लूप बना है एरे के लिए। अगर एरे मौजूद हो और लूप मौजूद नहीं हो तो बेकार है, और अगर लूप मौजूद है और एरे नहीं है तो बेकार है, दोनों बेकार हैं एक दूसरे के बगैर। ऑब्जेक्ट्स की एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कह रहे हो तुम, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कह दो मैं ये कह रहे हैं कि अगर ये कह रहे हैं, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली ये वही कह रहे हैं जो लोग समझ रहे हैं। मैंने कहा चलो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, मैंने कहा कि भाई एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया ना, ठीक है। मैंने कहा कि भाई एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर ना तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, तीन इसके अंदर जो है ना वो है। अब मुझे इसमें क्या करना है, एक चौथा रैंडम नंबर पुश करना है, तीन रैंडम नंबर मौजूद है इस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में, मुझे एक चौथा रैंडम नंबर पुश करना है। अब मैं कैसे करूंगा, क्या अब मैं पुश करूंगा तो होना शुरू हो जाएगा, क्या अभी मैं पुश करूं, पहले तो इसको मुझे ना रेंडर थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से करना होगा, क्योंकि अब ये ऐसे सीधा सीधा रेंडर नहीं होगा क्योंकि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो अब ये मैप चला गया रेंडर होगा, सही है। तो इसको मैं ज़रा मैप चला लेता हूँ। मैंने कहा कि num डॉट मैप राइट ईच ओबीजे, सॉरी ईच ओबीजे के बाद मैंने ये गोल लगाया और मैंने कहा div भाई क्या
सीन है। ठीक है, और मैंने कहा कि यार ईच ओबीजे डॉट क्या था मेरे पास, रैंडम नंबर, ठीक है। अच्छा ये अभी मैप मैप से रेंडर करवाना ना, अभी मैंने बताया नहीं है, ये मैं डिटेल में बताऊंगा कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, अभी ये कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये तो बहुत सारा कोड लिखते जा रहे हैं, सर ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये मैंने इसको रेंडर स्क्रीन में करवाया कि 2, 5 और 1 यही था ना ऊपर मेरे पास 2, 5 और 1। तो अब मुझे इसके, क्योंकि अब ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, अब मुझे इसके अंदर एक क्लिक पे एक नया ऑब्जेक्ट पुश करवाना है। तो असूलन मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए कि मैं बोलूँगा num डॉट पुश, सही है, और एक ऑब्जेक्ट पुश करूँगा अब मैं इसमें, जिसमें लिखूँगा मैं रैंडम नंबर और इक्वल्स टू और रैंडम नंबर। ठीक है, ये मैंने एक नया ऑब्जेक्ट पुश कर दिया, और अब मैं इस num को वापस कहाँ डालूँगा, सेट num में यहाँ पे इसको डाल दूँगा, सही है। तो क्या अब इसको चल जाना चाहिए, इसको अभी भी नहीं चलना चाहिए क्योंकि एरे के पहले इंडेक्स पे क्या है ये मैटर नहीं करता, एरे तो एरे रहेगा ना, एरे का जो बिहेवियर है वो एरे के पहले इंडेक्स पे क्या है, दूसरे पे क्या है, तीसरे पे क्या है, इससे एरे का बिहेवियर थोड़ी चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर पहले नंबर पे एक नंबर पड़ा हुआ है पहले इंडेक्स पे, दूसरे पे एक स्ट्रिंग पड़ा हुआ है, तीसरे पे एक बूलियन पड़ा हुआ है, वो एरे लेकिन अपनी जगह है, एरे का बिहेवियर वो चेंज नहीं करेगा वो वैल्यू। तो अभी एरे के पहले इंडेक्स में इमेजिन कर लें कि आप एक ऑब्जेक्ट है, बिहेवियर सेम रहेगा। अब मैं एरे में जो चीज़ पुश करवा रहा हूँ ना, वो एक नया इंडेक्स पुश करवा रहा हूँ, रिगार्डलेस कि उसमें मौजूद क्या है, वो एक नया इंडेक्स है, और वो इंडेक्स जब ही उस पर अपडेट होगा, जब उसको नया रेफरेंस मिलेगा। मैंने रिफ्रेश किया और चेंज वेरिएबल का बटन दबाया, देखो नीचे ना, देखो नीचे चेंज हो रहा है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में नए ऑब्जेक्ट आते जा रहे हैं लेकिन स्क्रीन पर नहीं आ रहा। वो स्क्रीन पे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये वाला काम नहीं करना पड़ेगा बल्कि मुझे यही वाला काम दोबारा करना पड़ेगा, डॉट 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 num कॉमा और ऑब्जेक्ट लास्ट में एक, ठीक है। अब पुश भी नहीं होगा ये, अब इक्वल्स होगा, समझ आ रहा है ये क्या हुआ है। हाँ वो कर देते हैं, उसको भी लेट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए दोबारा। ठीक है, मैंने कहा num इक्वल्स टू एक एरे, num इक्वल्स टू एक एरे, और पहले इंडेक्स में क्या रखो, उसके num के अंदर जो भी चीज़ें मौजूद है उसको खोल के रख दो, एक एक इंडेक्स जैसे num में था वैसे ला के रख दो, और आखिरी इंडेक्स पे क्या रख दो, एक नया ऑब्जेक्ट मेरी मर्जी का। तो अभी ये स्क्रीन पर भी चेंज हुआ, सही है। अब वो दो पुश क्यों हो रहे हैं, हाँ आई सी, वो पता है क्यों हो रहे हैं, एक बार मैंने पुश किया और एक बार मैंने रेफरेंस चेंज किया, तो डबल इसलिए हो रहा है। अच्छा पुश करके भी, पुश करने के बाद भी रेफरेंस आप तोड़ दें अलग से तो वो भी हो जाता है, मसला नहीं है, लेकिन वो फिर डबल काम होता है ना। अब रिफ्रेश किया मैंने, अब सेट है, सही है। तो अभी फ़िलहाल एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को भूल जाओ, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को भूल जाओ, अभी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट जो दिमाग पे सवार हो गया ना एक बार तो फिर उतरेगा नहीं, सही है, इसको भी भूल जाओ। यहाँ पे एक सिंपल सा num लिख देते हैं जो स्क्रीन पे बस प्रिंट हो रहा है, और इसको मैं वापस से क्या कर देता हूँ, इसको मैं वापस से 5 बना देता हूँ। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा कि एक स्टेट वेरिएबल बना हुआ है जिसका नाम है num, जिसके अंदर इनिशियल वैल्यू है 5, उसको मैंने स्क्रीन पर यहाँ डिस्प्ले करवाया हुआ है, और स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक बटन के क्लिक पे ना उस वेरिएबल को चेंज करवाता हूँ। चेंज कैसे करवाता हूँ, सेट num के ज़रिए, और सेट num में क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ num प्लस 1, कि जो भी num में है ना प्लस 1 करके सेट करवाऊँ, क्योंकि ये एरे नहीं है तो इसको रेफरेंस तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये नेटिव वेरिएबल है, प्रिमिटिव वेरिएबल है। नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन, ये तीनों क्या है, प्रिमिटिव वेरिएबल है, इनका रेफरेंस ऑटोमेटिक रहता है, मतलब रेफरेंस चेंज होता है इसका,
रेफरेंस चेंज होने का मतलब ये है कि जब भी इसके अंदर मैं नई वैल्यू डालता हूँ तो वो रैम मेमोरी में भी चेंज हो जाती है, ठीक है। जब भी मैं इसके अंदर नई वैल्यू डालता हूँ तो रैम मेमोरी, जैसे स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग में अगर मैंने लिखा हुआ है कि लेट नेम इक्वल्स टू पाकिस्तान, सही है। अब अगर मैं बोलूँगा ना नेम इक्वल्स टू कोई और ABC, तो जब मैंने ये वाला बोला था तो ये रैम में जाके सेव हुआ था किसी जगह पर। जब मैं ये वाली लाइन चलाऊंगा ना तो रैम में जहाँ पे भी पहले जगह ली हुई थी ना इसने, वहाँ से डिलीट हो जाएगा और उसको एक नई जगह पे जाके सेव करेगा इस नए नाम से, मतलब इस वैल्यू के साथ, ठीक है। इस प्रॉम इस बिहेवियर को कहते हैं इम्यूटेबल बिहेवियर, सही है। ये भी हम डिस्कस कर चुके थे जब हम मेमोरी एलोकेशन पढ़ रहे थे ना, उस वक्त डिस्कस कर चुके थे जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अब ये इन सारे बिहेवियर्स को डिस्कस करना दोबारा से बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो ये बताओ मुझे कि सिंपल सा ये स्टेट वेरिएबल बनाना सब लोगों को समझ आ गया? अच्छा, अब इसमें करना क्या है आप लोगों को? देखो, मैंने जो है ना एक बटन बनाया है जिस पर मैंने क्या लिखा हुआ है, एड वेरिएबल। तो ये 6, 7, 8, 9, 10 होता है, प्लस होता है। आप लोगों को क्या बनाना है, एक काउंटर ऐप बनानी है जिसमें एक बटन नहीं होगा, जिसमें दो बटन होंगे, एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस। जब मैं माइनस दबाऊं तो उस वेरिएबल के अंदर माइनस होना शुरू हो जाए, और जब मैं प्लस वाला दबाऊं तो प्लस होना शुरू हो जाए। ये अभी एक्सरसाइज है छोटी सी, ये अभी कर लें आप जल्दी से सब लोग, ठीक है। और अच्छी सी CSS लगा के। अच्छा, और एक काम क्या करना है, हम ये डेव सीडिया का आर्टिकल भी ज़रा देख लेते हैं ना, इसने भी बड़ा अच्छा बताया। इसने यहाँ पे ना डार्क और लाइट करके बताया है, डार्क लाइट ना थीम इसने बताया है। ओके जनाब, हाँ ये रहा, मेक द कंपोनेंट स्टेटफुल जो इसने बताया ना यहाँ पे। अब देखते जाओ, गौर से देखते जाओ, ये मैं जल्दी से गो थ्रू कर रहा हूँ, इसने बताया क्या। इसने बोला कि एक स्टेट वेरिएबल बनाओ। अच्छा, ये थोड़ा सा पुराना आर्टिकल है तो उसका कोड थोड़ा पुराना है ना, react.useState है इसमें, हम डायरेक्ट यूज स्टेट कर रहे हैं तो थोड़ा ये आर्टिकल एक दो साल पुराना है। इज लिट, अच्छा इज लगा हुआ वेरिएबल के नाम के साथ, तो क्या मतलब है उसका, बूलियन वेरिएबल है। इज लिट और सेट लिट, ठीक है, दो मिलते हैं हमेशा, ये एक रीड करने के लिए, दूसरा उसको चेंज करने के लिए। अच्छा, इनिशियल वैल्यू क्या रखी है, ट्रू, मतलब ये बूलियन है, नाम में भी बूलियन है और सामने दिख भी रहा है। उसके बाद क्या किया इसने, आगे जब हम बढ़ते हैं तो इसने, अच्छा इसको एक्सप्लेन किया इसने कि ये हो क्या रहा है, ये जो डी कंस्ट्रक्शन है ना दो एरे, ये क्या चक्कर है, ठीक है। कह रहे हैं आप इसको डायरेक्ट भी इम्पोर्ट कर सकते हैं ऐसे, तो डायरेक्ट करके चला लें तो ठीक है भाई, ये हम देख चुके हैं करके। अच्छा, और आगे चलते हैं। अब इसने बोला स्क्रीन के ऊपर ना कि आप क्या कर सकते हैं, जो रेंडर करवाते हैं, जो आप स्क्रीन पे रेंडर जो करवाते हैं वो कंडीशनल भी करवा सकते हैं। ये क्या लगा हुआ है, ये टर्नरी ऑपरेटर लगा हुआ है, जो करली ब्रैकेट करके जो कोई भी चीज़ डिस्प्ले हो जाती थी ना स्क्रीन पे, वो एक्चुअली करली ब्रैकेट के अंदर कोई भी जावा स्क्रिप्ट लिख सकते हैं आप। तो उसने लिख दिए जावा स्क्रिप्ट टर्नरी ऑपरेटर। तो जब इस लिट में क्या होगा, ट्रू होगा तो स्क्रीन पे क्या दिखेगा, लिट। जब इसमें फॉल्स होगा तो स्क्रीन पे क्या दिखेगा, डार्क। तो लिखा हुआ रूम इज लिट और रूम इज डार्क, ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। तो आपको जो काउंटर ऐप बनानी है ना, काउंटर ऐप के साथ एक बल्ब का भी बटन हो कि बल्ब बंद करें तो बैकग्राउंड डार्क हो जाए, और वो इस बना के दिखाइए इसमें। कुछ नहीं करना, देख के इसका कोड छापना है बस, लेकिन अपने हाथ से लिखना है कोड, कॉपी पेस्ट नहीं करना। अब देखो इसने क्या किया, ऑन क्लिक के ऊपर सेट लिट का बटन कॉल किया और उसमें क्या रखवा दिया, नॉट सेट लिट, नॉट इज लिट। सेट लिट क्या होता है, चेंज करने का काम आता है, और चेंज में क्या देना होता है, एक नई वैल्यू देनी होती है। नई वैल्यू क्या दे रहा है, ये जो भी कुछ इस लिट में मौजूद है उस पर नॉट लगा रहा है। बूलियन पर नॉट लगता है तो वो उल्टा हो जाता है, ट्रू होता है तो फॉल्स, फॉल्स होता है तो ट्रू हो जाता है, ठीक है। तो ये सेट करवा रहा है, तो इसका मतलब है इस बटन से क्या होगा, ये फ्लिप होगा, जितनी बार दबाऊंगा वो ऑन ऑफ होगा और स्क्रीन पे वो चेंज होगा कि रूम इज लिट, रूम इज डार्क, रूम इज लिट, रूम इज डार्क, है ना, ऐसे ही होगा ना। अब उसके बाद देखो इसने क्या किया, अच्छा ये बता रहा है कि ना ऑन क्लिक के ऊपर ना ये ख्याल करना है आपने, हमें ना सिर्फ फंक्शन पास करना है, हमें फंक्शन को कॉल नहीं करना, ठीक है।
हमें ऐसे नहीं करना, हमें सिर्फ इसको पास करना है, सही है। तो ये फ़र्क है थोड़ा सा ना, ये फंक्शन हमने पास किया हुआ है और ये फंक्शन हमने कॉल किया हुआ है, तो आपको ऐसे करके करना है, अदरवाइज ये प्रॉब्लम कर जाएगा। तो ये जहाँ पे थोड़ा सा बताया इसने। अच्छा, अब ये गया CSS में। CSS थोड़ी बहुत कर चुके हैं हम लोग, पूरी CV बना ली है, थोड़ी बहुत किया, पूरा ही कर लिया। ये एक इसने बनाया है क्लास लिट जिसमें बैकग्राउंड कलर वाइट है, और एक बनाया है डार्क जिसमें बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, सही है। अब इसने देखो क्या किया है, इसने किया ये है कि क्लास नेम दिया है, और क्लास नेम में पहले स्ट्रिंग देते थे ना ये रूम, इसने साथ में यहाँ पे ना एक ये ES6 का स्ट्रिंग बनाया है इसने, और इसने बोला रूम तो फिक्स है लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ब्राइटनेस होगा, यहाँ पे क्या होगा, ब्राइटनेस होगा। और ये ब्राइटनेस देखो क्या है, इस लिट में अगर लिट है, और इस लिट में अगर ट्रू है तो लिट, अगर डार्क इस लिट में फॉल्स है तो डार्क। ये ऐसे करके इसने बनाया, नीचे फुल कोड भी दिखाया हुआ है इसमें, नहीं फुल कोड नहीं इसने दिखाया हुआ। तो ये दोनों आपने बनाना है, पहले तो आपने बनाना है काउंटर वाला, वो मैंने करके दिखा दिया। काउंटर जब आपसे बन जाए, काउंटर जब आपसे बन जाए, तो ये पूरी इंस्ट्रक्शन इसकी आपने पढ़ के ना, रीड करके फॉलो करके, उसी काउंटर वाली ऐप में एक कोने में बटन लगा देना है आपने, यहाँ पे ना कोने पे एक बटन आ रहा हो, किसी भी कोने पे बटन आ रहा हो, आई डोंट केयर, उसको क्लिक करने से क्या हो, डार्क मोड और लाइट मोड इनेबल हो, सही है। अच्छा, अगर उसको आप अच्छे से CSS लगा दें, गोल मटोल सा बटन हो, और जो आपका जो डार्क और लाइट करने का जो बटन हो उसके अंदर अगर चांद सूरज बने हुए आ रहे हो, या कुछ अच्छा सा हो, प्रेजेंटेबल हो, ठीक है। असाइनमेंट जब भी आप बनाते हैं ना, उसमें दो चीज़ों का ख्याल रखना होता है आपने। नंबर एक, प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, किसी को दिखाने लायक होनी चाहिए कि देखे ना अच्छा लगे वो। नंबर दो बात, कोई फंक्शनल होनी चाहिए। फंक्शनल का मतलब है कि कुछ हो रहा हो उसके अंदर, कोई उसके अंदर फंक्शनैलिटी परफॉर्म। तो सेकंड वाला चीज़ तो अभी इसमें नहीं है, फंक्शनैलिटी तो कोई नहीं है, वो काउंटर किसी के काम की चीज़, जैसे कैलकुलेटर बनाया था ना हमने, वो फिर भी किसी के काम की चीज़ थी, तो कोई दो वैल्यू प्लस कर सकता है उसके ऊपर, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम जितने भी असाइनमेंट बनाए उसमें ये दो चीज़ें मौजूद हो, नंबर एक प्रेजेंटेबल हो, नंबर दो फंक्शनैलिटी हो कुछ ना कुछ, कि कोई भी ना एक 1% कोई बंदा शायद उसको यूज़ कर ले अपने काम के लिए, हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे, ठीक है। तो चलें आप जल्दी से बनाना शुरू कर देंगे।